राम राम जी, कैसे हो दोस्तों? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई, सबसे पहले सभी भाई से हाथ जोड़ के नमस्ते। और भाई, जितने भी मेरी वीडियोस आ रहे हैं, आप बहुत ही अच्छा उन पर रिस्पॉन्स आ रहा है और बहुत ही अच्छा प्यार दे रहे हो। आप अपना प्यार ऐसे बनाए रखना। और पहले तो भाई कुछ भी नहीं होता था, अब लाइक्स भी आने लगे, सब कुछ बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो। वीडियोज़ भी व्यूज़ भी ठीक आते हैं। और भाई, जितना उसके चैनल को यार सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि और भी लोगों के पास अपडेट जाए। और जो भाई चैनल को नए जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। तो भाई, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम अमित सैन रोहतगिया जी की, जो कि उनके अभी अभी उनके एक पोस्ट डाली है उन्होंने, कितना काम का डबा पानी मारगन है। तो भाई देखो, वो बात है ना, ऐसी बात कौन बोलता पता है, जो एक टाइम में बहुत बुरे टाइम में जो गुजरता है, बुरे टाइम में जो गुजरता ना, उसका कोई साथ नहीं देता, उसका कोई साथ नहीं देता ना, तो उसको ना, सच में एक बात बताऊँ, उसको ना कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई उसके कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने खुद इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की, और मेहनत करने के बाद ही इंसान आगे बढ़ता है। काफ़ी लोग क्या बोलते हैं, मैंने काफ़ी वीडियो भी देखे, मेरी पर्सनली किसी से कोई वो नहीं है कि मैं पर्सनली किसी को नहीं बोल रहा। काफ़ी लोग बोलते हैं यार, मेरे पास पैसे नहीं है यार, मैं तो सिंगर अच्छा था, मैं तो रैपर अच्छा था। तो भाई, मेरा एक एग्जाम्पल है, बाहर निकलो घर से और किसी डिस्ट्रिक्ट में जाओ, या फिर गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी जाओ और जॉब करो, जॉब करके अपने आप को आगे बढ़ाओ। दो एग्जाम्पल है भाई, अमित सैन रोहतगिया, के डी, विजय वर्मा, जितने भी कलाकार हैं सब खुद स्ट्रगल करके आगे आए हुए हैं, ऐसे कोई नहीं आता। तो जो भी मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, और जो मेहनत नहीं करेगा वो खाली ये सोचेगा यार मैं ये करूँगा। तो किसी ना एक अच्छे इंसान ने एक अच्छी बात बोली थी कि घर पे बैठेगा तो भगवान भी साथ नहीं देता, भगवान भी तब साथ देता कि उठे, चले, कुछ करे, और तब मैं इसका साथ दूँ, ऐसे कोई नहीं साथ देता। तो मेहनत करो, मेहनत के आगे ना भाई कोई किसी को भी नहीं रोक सकता, कोई किसी को नहीं रोक सकता था। मेरे इस चैनल से पहले मेरे 2,500 सब्सक्राइबर थे, और मैंने ये नहीं सोचा कि मैं छोड़ता चैनल को, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि चैनल बंद हो गया तो वहाँ काम करना छोड़ दिया, नहीं, मैंने दूसरा फिर ओपन किया, ये ओपन किया है। इस पर और भी अभी टाइम लगेगा, 5-6 महीने टाइम लगेगा इस पर थोड़ा ऊपर लेवल पर आने के लिए, क्योंकि जो पहला यूट्यूब चैनल था उस पर ना 3,000 के समथिंग सब्सक्राइबर थे। और आज भी वो चैनल है D&D म्यूजिक 22 के नाम से, वो चैनल है, सर्च कर लेना, सर्च में आ जाएगा। सब्सक्राइबर देख लियो और व्यूज़ भी देख लियो भाई, लाखों व्यूज़ आते थे उस वीडियो पर। और सब मेहनत का काम है, जो मेहनत करेगा तो ही आगे बढ़ेगा, जो मेहनत नहीं करेगा तो क्या आगे बढ़ेगा। तो अमित सैन रोहतगिया जी का भाई एक ही यही बात है खासियत, उन्होंने स्ट्रगल किया है बहुत ही हार्ड और तब अपने दम पे आए हैं। ऐसे KD भाई अपने दम पे आए हैं, ऐसे विजय वर्मा जी, मैं ये नहीं कह रहा कि 3-4 कलाकारों का मैंने नाम ले दिया, नहीं, जितने भी कलाकार सब ने हार्ड वर्क किया और तभी आगे आए हैं भाई। लोग पता है आपको मोटिवेशन देते समय बोलते होंगे यार उसने इतना हार्ड वर्क किया, धीरू भाई अंबानी ने ये किया था, उसने ये किया था। भाई सब ने हार्ड वर्क किया है, और इस पूरी दुनिया को ना 400-500 लोग ही चला रहे हैं, देख लो, इस पूरी दुनिया को 400-500 लोग चला रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना भाई, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, बस हार्ड वर्क का मतलब बता दूँ हिंदी में, कड़ी मेहनत करो, और कड़ी मेहनत जो करेगा भाई वही आगे जाएगा। अनधीमी का ज़माना है, जब मैं 5th क्लास में पढ़ता था, मेरे टीचर ने बोला था कि अनधीमी का ज़माना है, जो निकल गया सो निकल गया, और जो रह गया सो रह गया। भाई बाहर निकलो, गुड़गांव में आओ, जॉब करो और मेहनत करो, और जिस चीज़ में आपकी रुचि है उसमें जाओ, बस मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को उठाती है भाई। और उसका एग्जाम्पल कौन है, उसका एग्जाम्पल दूँ, अमित सैन रोहतगिया, जिसे वो है ना रियल में ही, वो रियलिटी में ही वो मेहनत करता था। अब लोग ऐसे बोलेंगे तू पास में जाके देखता था, अगर भाई अगर किसी को ये डाउट कंफर्म करना है वो मेहनत कितनी करते थे, तो पीछे वाले सॉन्ग देखिए, जो पुराने हरियाणवी सॉन्ग हैं उनके पीछे ना वो काम करता था, उनके पास वो बाउंसर का काम करता था, ऐसे पता नहीं क्या क्या काम करते थे वो, सेटअप उठाते थे, लाइट उठाते थे, सच में लाइट उठाते थे भाई वो सेटअप के दौरान। भाई उनकी वीडियो देख भी लेना, मैंने खुद देखी है, और बहुत ही मेहनत करके वो आगे बढ़े हैं। आज लोग बोलते हैं कि वो ऐसा है, वो चैन पैसा और खुद को बोलता गरीब हूँ, ऐसा कुछ नहीं भाई, सब मेहनत कर रहे हैं, और चाहे तो कोई भी मेहनत करके आगे बढ़ सकता है, लेकिन लोगों को वो चीज़ें पसंद है जो आसान है। आसान चीज़ों को कभी भी मत अपना, जो हार्ड वर्क होना, जो ये होती है ना कि हम इसको पा नहीं सकते, उसको ही करो, जिसको ये लगता ना यार इसमें तो बहुत बड़ा पंगा है, उसी को पकड़ो, उसी काम को करो, उसको काम को करेंगे तभी आगे बढ़ा जाएगा। तो अमित सैनी भाई के
लिए एक बहुत ही एग्जांपल था, बहुत ही अच्छा, जो कि उन्होंने खुद मेहनत स्ट्रगल इतना तगड़ा वो किया है, वर्क जिसको बोलते हैं, खुद की मेहनत से स्टूडियो जोड़ना, खुद की मेहनत से अपना काफ़ी सारी सिस्टम, माइक्स वगैरह और भी, और उन्होंने तो एक भी काम अच्छा कर दिया, उन्होंने एक और काम क्या अच्छा किया पता है, उन्होंने जो न्यू सिंगर हैं जो बोलते हैं भाई हमारे बस की बात नहीं, जो फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, जो पैसे से कमज़ोर हैं, उनके लिए भी उन्होंने एक स्टूडियो बनवा दिया। इससे ज़्यादा क्या होगा यार, फ्री में म्यूजिक बन रहा होगा, आपकी हेल्प करेगा, अमीर सैन होते हैं नाम पे कितने लोग आपको जानेंगे। यार मेहनत करो और आगे बढ़ो। तो राम राम, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।